आज नवरात्रि के छठे दिन पर मां कात्यायनी की पूजा होती है। तृष्णा व तृष्टि की शक्ति है मां कात्यायनी। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। परमात्मा की स्मृति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। परमात्मा शिव का ध्यान गौधूली वेला में करने से शिव शक्ति मां कात्यायनी अमोद फलदायिनी बन जाती है। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालेंद्री यमुना के तट पर की थी। यह व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। मां कात्यायनी शेर पर सवार अर्थात निर्भयता का प्रतीक है और इनके चार भुजाएं हैं। एक भुजा में मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक है और दूसरे हाथ में निर्लिप्तता का प्रतीक कमल पुष्प और वरदानी मुद्रा नित्य हर आत्मा को क्षमा करके वरदान देने वाली। परमात्मा शिव का ध्यान करने से मां कात्यायनी मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मुक्ति जीवन मुक्ति ये चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रह करके भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। शिव शक्ति माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की शरणागत से जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने की प्रेरणा मां कात्यायनी देती है। ओम शांति।